में एक परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सरकारी योजनाएं अक्सर जब लंबे स्तर पर चलती हैं तो कई बार औपचारिकता बन जाती है, उनमें उदासीनता भी आ जाती है। और जो आंकड़े सामने रखे गए कि सातवें आठवें वर्ष तक 2013-14 तक एक उदासीनता इसमें प्रकट हो रही थी और 2014 में जब सरकार में परिवर्तन हुआ तो मैंने संसद में भी संसद के बाहर भी कई बार ये अटकलें सुनी कि क्या मनरेगा में दी जाने वाली धनराशि कम कर दी जाएगी या इस योजना को समाप्त किया जाएगा, कोई और योजना लाई जाएगी। लेकिन नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। और सबसे प्रमुख यह है कि केवल प्रावधान कर देना और बाद में उस प्रावधान को काटकर कम कर देना, ये नीति नहीं अपनाई जो पहले अपनाई जाती थी। शायद ये पहला वर्ष होगा जिसमें जो 34-35 हजार करोड़ रुपया दिया गया था वो केवल पूरा खर्च ही नहीं हुआ, उसके अतिरिक्त मनरेगा में शायद कुछ और साधन भी दे दिए जाए। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी वास्तविक व्यय जो होता है इस योजना में सबसे अधिक इस वर्ष में होगा। इस देश की वित्तीय प्रणाली में एक परंपरा सी बन गई थी कि बजट जब पेश होता है तो लोग विशेष रूप से टिप्पणी करते हैं कि फला योजना के लिए या फला कार्य के लिए इतना पैसा दिया गया, उसमें साल भर में खर्चा कितना हुआ और कटा कितना, शायद उस पर ध्यान आकर्षित कम होता है। और पिछले कई वर्षों में शायद एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जहां जिसका प्रावधान बजट में किया गया हो उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा काट न दी गई हो। और नवंबर दिसंबर के महीने में एक पुराना अनुभव है कि वो काटने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती थी और इस काटने का असर ये होता था कि खर्चा कम होता था। और खर्चा जब विकास कार्य, वेतन तो आप काट नहीं सकते, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काट नहीं सकते, तो जो विकास के लिए प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है कटौती उसी में होती थी। और जब वो कटौती होती थी तो स्वाभाविक है कि देश की विकास दर के ऊपर भी उसका एक असर पड़ता था। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि केवल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का विभाग ही नहीं, ये पहला वर्ष होगा जिसमें विकास कार्यों के लिए जो साधन रखे गए होंगे उनमें एक भी पैसे की कटौती नहीं होगी और जो प्रावधान किया गया था उससे अधिक खर्चा होगा। और इसके पीछे एक कारण भी है और इसके पीछे अगर मैं वैचारिक कारण बता दूं तो जो बार बार चौधरी साहब कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या गांव में रहती है इसलिए गांव ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो
वह आर्थिक गतिविधि हो, इसमें एक राजनीतिक तर्क भी है। कोई भी सरकार चाहेगी कि जहां अधिक मात्रा में लोग हैं और उनकी सेवा की जा सके वहां ज्यादा की जाए। इसके पीछे एक सामाजिक तर्क भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं उनकी प्रगति करना और शहरों के स्तर तक उनको लाने का प्रयास करना, इसके पीछे सामाजिक तर्क भी है। नहीं तो समाज के अंदर बराबरी कभी आ नहीं सकती। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक तर्क भी है और आज की परिस्थिति में वो आर्थिक तर्क और महत्व का हो चुका है। आज अगर हम पूरे विश्व की आर्थिक परिस्थिति देखें तो स्वाभाविक है कि पूरे विश्व की आर्थिक परिस्थिति में एक बहुत बड़ा धीमापन आया है। जिन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना भारत के साथ की जाती थी, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, वो सब धीमी रफ्तार में चली गई है। एक प्रकार से नेगेटिव ग्रोथ रेट है, अर्थव्यवस्था सुकड़ती जा रही है। चाइना ने बहुत तेजी से प्रगति की 3 दशकों तक। आज वो भी कोई अपेक्षा भी नहीं करता था कि अंतकाल तक वो 10% पे बढ़ेंगे। वहां भी धीमापन आया है जिसका पूरे विश्व के अंदर भी एक प्रभाव है। पिछले कई वर्षों से हम सुनते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और मजबूत होने वाली है, लेकिन 2 क्वार्टर बढ़ती है और फिर धीमी होती है। इस परिस्थिति में भारत दुनिया के एकमात्र देशों में से ऐसा है जो जूझ रहा है और 7% से अधिक, 7-7.5% की प्रगति के ऊपर अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ती है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने में किस किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? निजी क्षेत्र इस वक्त बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पा रहा। 2 साल तक बरसात ने भी इस देश का साथ नहीं दिया और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका एक स्वाभाविक असर है। और उसका एक असर होता है कि केवल पैदावार ही कम नहीं होती, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की जो खरीदारी करने की क्षमता होती है वो भी अपने आप में कमजोर पड़ जाती है और उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। और इस परिस्थिति में सरकार को आगे आना आवश्यक होता है और सरकार अपना खर्चा बढ़ाए और व्यय बढ़ाए। तो आज इस देश में सरकारी खर्चा और विशेष रूप से जो विकास के ऊपर सरकारी खर्चा हो रहा है उसकी गति काफी बड़ी है। विदेशों से जो निवेश इस देश में आता था, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली हम अर्थव्यवस्था है, तो उसकी भी गति काफी बड़ी है। शहरों में खरीदारी करने की क्षमता बढ़ी है, इसलिए अर्बन डिमांड अपने आप में बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ और प्रगति करनी है तो एक तरफ विश्व का धीमापन, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी थोड़ा कमजोर हुआ है, खरीदारों के पास पैसा नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता हम लोग बढ़ा पाए, ये एक कारण ऐसा है जो अपने हाथ में है। तेल की कीमत दुनिया में किस दिशा में जाएगी, कमोडिटीज और मिनरल की, खाद्यान्न की, खदानों की किस दिशा में जाएगी, इसके ऊपर शायद भारत का नियंत्रण नहीं है। विश्व का धीमापन, इस पे भारत का नियंत्रण नहीं है। लेकिन देश में
विकास को खींचने के लिए एक इंजन और जुड़ जाए, उसमें एक क्षमता हमारे हाथ में है कि देश के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है उसको हम लोग सुधार पाए। और इसलिए इसके कई तंत्र और कई तरीके राज्य सरकारों के पास, केंद्र सरकारों के पास हैं। ग्रामीण सड़कों के ऊपर खर्चना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर खर्चना, और इसलिए वाजपेयी जी के समय में ग्रामीण सड़कों का कार्यक्रम आरंभ हुआ, उसको और तेजी से आगे बढ़ाना, ये एक तरीका है गांव के अंदर साधन देने का। आज भी 18,000 गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और बिजली मंत्री स्वयं इसका नियंत्रण कर रहे हैं कि रोज प्रतिदिन वो सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं कि आज उसमें इतने सारे जुड़ गए, और 2021-22 तक ये 18,000 गांव तक बिजली पहुंच पाए, ये एक टारगेट सरकार ने दे दिया है। सिंचाई, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितने साधन डालेंगे उसका प्रत्यक्ष प्रभाव और असर सबसे सरल तरीके से स्पष्ट होकर सामने आएगा, और इसलिए सिंचाई योजनाओं में व्यय अधिक बढ़ना, और जिन राज्यों ने इस पे विशेष प्रयास किया है उनको लाभ मिला है। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है, जिसने पिछले 8-9 सालों में जो सिंचाई योजनाएं बनाई हैं उसकी वजह से उनकी फूड प्रोडक्शन एकदम बढ़ी है, एग्रीकल्चर बढ़ी है, जिससे कि उस राज्य को गरीबी की व्यवस्था में से निकलने में एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ये सब एक तरीके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था सुधारने के। किसान ऋण लेता है तो जो सरकार उस ब्याज का एक हिस्सा ले लेती है, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये एक तरीका है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साधन डालने का। अभी 2 सप्ताह पूर्व क्रॉप इंश्योरेंस, शायद इस देश के इतिहास में इस प्रकार का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं आया होगा कि एक बड़ा हिस्सा उस इंश्योरेंस के जो खर्चे का है केंद्र सरकार दे, एक छोटा हिस्सा राज्य सरकार दे और एक बहुत छोटा हिस्सा किसान दे, और जो क्षेत्र केवल बरसात के ऊपर निर्भर हैं खेती के लिए वहां आपको बीमे की सुविधा सरल तरीके से उपलब्ध हो जाए कम खर्चे के ऊपर। एक विषय का जिक्र करना शायद वीरेन्द्र सिंह जी भूल गए कि स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालय, इन पे भी जितना खर्चा है, रूरल शिक्षा, रूरल हेल्थ केयर, और स्वाभाविक है कि इन सब तरीकों से इन क्षेत्रों के अंदर जितने साधन हम लोग डाल पाएंगे उस साधन से केवल उस क्षेत्र का कल्याण नहीं होगा लेकिन उसकी क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपने आप आगे बढ़ेगी। और यही दायित्व है जो मनरेगा जैसी योजना ने भी आगे बढ़ाया है। मैंने संसद में भी ये कहा था कि जब ग्रामीण क्षेत्र कष्ट में है तो ग्रामीण क्षेत्र में साधन डालना, इसके पीछे राजनीतिक तर्क भी है, सामाजिक तर्क भी है, और सबसे प्रमुख आर्थिक तर्क भी है कि वो जितने साधन हम लोग डालेंगे तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उतना बड़ा दायित्व उनका हो पाएगा और सबसे अधिक संख्या में लोगों का कल्याण उतना हो पाएगा। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि केवल आपके विभाग ने वीरेन्द्र सिंह जी इसको आगे ही नहीं बढ़ाया लेकिन जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और जो कोई भी योजना ऐसी नहीं होती जिसकी लिखाई पत्थर के ऊपर हो, दे आर नॉट कास्ट इन स्टोन,
और इसलिए उसका सुधार करते रहना, उससे एसेट क्रिएशन भी हो, उससे रोजगार के अवसर भी हो, उसमें कोई बिचौलिया पैसे ना ले पाए इसलिए डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट के अंदर सीधे साधन जाएं, ये सारी जितनी योजनाएं हैं और सारे जितने परिवर्तन आपने किए हैं, इन्होंने मनरेगा का स्वरूप भी बदला है, इस देश की गरीब जनता का कल्याण भी इससे हुआ है। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो लोग इस योजना का लाभ उठाकर गरीबी में से बाहर निकलते हैं, जिनको कम से कम दो वक्त की रोटी खाने का साधन मिल जाता है, जो सरकार की अन्य योजनाओं की ओर भी देखें, विशेष रूप से बहुत सफल रूप से हुई है मुद्रा योजना, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ लोगों को पिछले कुछ महीनों में बैंकों के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ऋण मिल चुका है कि अपना काम वो आरंभ कर पाए, और विशेष रूप से जिस वर्ग को ये मनरेगा टारगेट करता है उसी वर्ग को वो योजना टारगेट करती है कि अब आप छोटे स्तर के दुकानदार या कोई वर्कशॉप चलाना या अपना कारोबार चलाना, इसके लिए जो साधन आपको चाहिए वो भी बैंक आपको देगा, ताकि इस देश के सर्वाधिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको इन सब का लाभ मिल पाए और ये वर्ग गरीबी की रेखा से हम लोग ऊपर आ पाए। उसी में इस वर्ग का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई थी वो भी अपने आप में सफल हो पाएगी। मैं आपका, आपके सभी सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने कई नई पहल इसमें की है, और जिन राज्यों को और जिन अन्य साथियों को आज सम्मानित हम लोग कर रहे हैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक नई दिशा इस महत्वपूर्ण योजना को इस देश में दिखाई।